गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैंने आपको सेट्स बताए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बताए, उसके बाद मैंने आपको टाइप्स बताए। अब उसी से रिलेटेड बता रही हूँ कि वेल डिफाइंड कलेक्शन वाले कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। वो आपके एनसीईआरटी में पुरानी बुक के हिसाब से तो 1.1 एक्सरसाइज दे रखे। अप्लाइड मैथमेटिक्स में यदि आपका चैप्टर नंबर 5th हो तो 5.1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। आप देखिए इस फॉर्म में क्या दे रखा हुआ है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, वो सेट्स है या नहीं है आपको ये बताना है। फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द जे, जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ, ये क्या सेट्स है क्या? तो हाँ, यस, ये कौन से है? ये सेट्स है। अब देखो सेट जे मंथ से स्टार्ट होने वाले कौन से होते हैं? एक तो होता है जनवरी, जे से स्टार्ट होता है। जनवरी के बाद एक होता है जून और लास्ट में होता है जुलाई। तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ वेल डिफाइंड है, ये बात परफेक्ट है, तो ये सेट्स है। यदि जस्टिफाई है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं जनवरी, क्या लिख सकते हो? जनवरी, ठीक, जून और लास्ट में लिख सकते हो जुलाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म में है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये हम इंडिया में क्या डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा मोस्ट टैलेंटेड है, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सबकी निगाह में सोचने का टाइप अलग हो जाता है, तो ये सेट्स नहीं है। तो सेट, नॉट सेट या नॉट डिफाइंड सेट, या क्रॉस लगा दो या नॉट डिफाइंड सेट हो गया। थर्ड वाला है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इसको भी हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी चीजें क्या होती है, अलग अलग होती है, सबका सोच अलग होता है, तो ये भी सेट नहीं है, तो इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में जितने लड़के हैं उसका कलेक्शन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? राइट। अब कलेक्शन में कितना है, हो सकता है 44 बॉयज हो, 23 बॉयज हो, 10 बॉयज हो, 100 बॉयज हो, जो भी होता है, तो वो परफेक्ट है कि हमारी क्लास के स्टूडेंट में हम बॉयज का कलेक्शन कर सकते हैं। फिफ्थ वाला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, नेचुरल नंबर लेस देन 100 है तो वो सेट्स है। अब देखो नेचुरल नंबर लेस देन 100 का मतलब क्या आ सकता है, यदि सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो 1, 2, 3, 99 तक, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 99 में ओवर हो जाएंगे, क्योंकि लेस देन उन्होंने 100 बोल रखा है, तो ये भी वेल डिफाइंड सेट्स है। अगला फॉर्म दे रखा है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, किसके थ्रू लिखा गया है, राइटर है मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद्र की लिखा गया जितने भी नॉवेल्स है वो सेट्स है, क्योंकि वेल डिफाइंड है, उनका नाम है, हमें राइटर का नाम स्पेसिफाई कर रखा है, तो हम उसका कलेक्शन कर सकते हैं। अब जैसे हमारे एग्जांपल में गोदान, गमन, इस टाइप की चीजें आ सकती है, क्योंकि कलेक्शन है ये किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र का। नेक्स्ट दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर का हम कलेक्शन कर सकते हैं, कहां तक कर सकते हैं, हमारे पास स्पेसिफाई तो नहीं कर रखा है, वो इंडेफिनेट जरूर है, पर हम इसका कलेक्शन कर सकते हैं, तो ये हो गया है यस। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है हम उसका भी कलेक्शन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मतलब कलेक्शन कर सकते हैं, तो ये भी सेट्स है। सेट्स का मीन्स अच्छे से याद रखना है, सेट्स का मीन वेल डिफाइंड है, जो डिफाइंड है उसमें यस लिखा, जो नहीं है उसमें हमने क्या लिखा है, नो की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको जो सिंबल्स दे रखा है ये होता है बिलोंग्स और ये नॉट बिलोंग्स। बिलोंग्स का मतलब होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होना, जैसे ये सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अंदर जो नंबर दे रखे हैं वो है तो बिलोंग है, नहीं तो नॉट बिलोंग्स है। 5 ए के अंदर इंक्लूड है क्या?
हाँ है, तो ये क्या होगा, बिलोंग की कैटेगरी होगी। एट है क्या, तो नहीं है, तो ये हो गया नॉट बिलोंग। ठीक है, जीरो भी नहीं है, तो ये हो गया नॉट बिलोंग। फोर है, हाँ है, बिलोंग कर रहा है। टू भी बिलोंग कर रहा है। टेन इज नॉट बिलोंग। बिलोंग का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है कि इन्वॉल्व होना, वो वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। अब ये तो हो गया बिलोंग, क्योंकि आपके पास एक सेट दे रखा हुआ है। अच्छे से ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ है फॉर्म सारे सिंपल, सेट्स कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है। इसमें इन्वॉल्व कर रहा है तो वो वैल्यू लिखना है। सेट से तो यस नो की कैटेगरी इस टाइप के सामने। अब अगला फॉर्म देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या बताया था कि जिसमें आपको वैल्यू क्या लिखना है, नंबरों से रिप्रेजेंट करना है। अब इसका आंसर भी एक एक लाइन का है, खूब बड़े बड़े आंसर नहीं है। क्वेश्चन तो मैंने सारे लिख दिए, आंसर देखिए। फर्स्ट का आंसर दे रखा है इसके अंदर, एक सच डेट एक्स इज ए इंटीजर एंड -3 <x> 7। मतलब एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो। -3 से बड़ी हो मतलब a इक्वल टू हो गया -3 से बड़ी, तो -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6। 7 से छोटा मतलब 6 तक आएगा। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया है। सेकेंड आंसर यहाँ पर दे रखा है, एक सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर <6> सिक्स से छोटे सारे नेचुरल नंबर लिखना है। मीन्स इसका आंसर आ गया है 1, 2, 3, 4, 5। 6 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 6 से छोटा आ रहा है। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए इसके अंदर। थर्ड पार्ट में है, एक सच डेट एक्स इज ए 2-डिजिट नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। मतलब ऐसे दो नंबरों का सम लेना है जो 8 हो। अब आपके पास नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और डिजिट के फॉर्म में देखा जाए तो डिजिट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये डिजिट हो गए। इनका सम आपको क्या बताना है कि सम होना चाहिए 8। अब कैसे अरेंज करोगे, देखो पहले 1 के साथ देख लो। 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि सम करने पर 1 + 7 = 8 हो गया। मतलब दो डिजिट का नंबर 17 हो गया। अब 2 के साथ आप क्या ले सकते हो, 6। 2 और 6 कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब आपने लिखा है आगे फॉर्म देखो, 3। 3 और 5 कितना होता है, 3 और 5 होता है 8। मतलब दो डिजिट के नंबर 35 भी हो सकता है। अगले फॉर्म में देखिए, वैल्यू में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 4 के साथ कौन सा नंबर आ रहा है जो 8 पे फॉर्म को रिप्रेजेंट करे। दो डिजिट है तो 4 के साथ 4 ही 8 आता है, तो 4 तो आना नहीं है। फिर 5 के साथ देखो, 5 के साथ 3 आता है, यानी 53 हो गया। 6 के साथ 2 आता है, यानी 62 हो गया। उसके बाद आपके पास 7 के साथ 1 आता है तो 71 हो गया, और 8 के साथ 0 आता है तो 80 हो गया। ये हो गए आपके दो डिजिट के सम करने पर 8 आना। कौन कौन से आते हैं, पहले इंटीजर में 3 - 3 से बड़ा और 7 से छोटे निकाले। फिर उसने बोल रखा था कि आपको 6 से छोटे नेचुरल नंबर निकालना है। अगले फॉर्म में उसने बोल रखा था कि दो डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब डिजिट है तो डिजिट में तो 0 भी इन्वॉल्व होते ही है, बाकी नेचुरल नंबर से देखा जाए तो वो 1 ही होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा हुआ है, एक सच डेट एक्स इज ए प्राइम नंबर। आपको निकालना है प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करे। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो खुद के साथ ही खुद को डिवाइड करता है। तो इसमें प्राइम नंबर 2 है, 260 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, 3 को भी कर सकते हैं और 5 को भी कर सकते हैं। ये 3 ही आपके पास कौन से है, प्राइम नंबर दे रखे हैं। अब फिफ्थ नंबर दे रखा है, द सेट्स ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। अब इसमें याद रखना, यदि ऐसे वर्ड दे रखे हैं तो आपको रिपीट नहीं करना है उन वर्डों में। जो सिंगल वर्ड है उसको एक ही बार लिखना है, जैसे T, R, I, फिर G, O, N। फिर ये O रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखना आपको।
गए y, ये हो गया आपका आंसर ट्रिग्नोमेट्री का। लास्ट आपके पास दे रखा है f पार्ट है, नहीं दे हो तो हमने हम f डिफाइन कर दिया क्योंकि वैल्यू दे नहीं रखी थी उसके अंदर। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बैटर, बैटर में भी क्या है, b सिंगल लिखोगे, e लिखोगे, p लिखोगे और r लिखोगे। तो ये याद रखना, ये होता है रोस्टर फॉर्म। ये आप, मैंने आपको रोस्टर फॉर्म बता दिया, बिलोंग्स टू बता दिया और सेट्स बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा था, अब सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ रहे थे। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है लैंग्वेज के थ्रू किसी चीज को लिखना। यदि आप लैंग्वेज के थ्रू नहीं लिखते हैं तो भी वो लैंग्वेज स्पेसिफाई होनी चाहिए उस फॉर्म में, इसका अरेंजमेंट ऐसा किया जाता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 3, 6, 9 और 12 दे रखा हुआ है। अब इसका आंसर तो एक लाइन में ही है, सारे आंसर क्या है, खूब बड़े बड़े नहीं, छोटे आंसर दे रखे। इसको लिखते कैसे है, एक सच देट एक्स इक्वल टू 3n, मतलब n की वैल्यू आपको क्या लिखना है, n की वैल्यू ऐसी लिखनी है जो इन नंबरों को स्पेसिफाई कर सके। मतलब मैंने लिखा 1 less than equal to n, 1 less than equal to n, less than equal to 4 and small n belongs to capital N। capital N का मतलब होता है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना। n की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होना चाहिए। इक्वल रखा, n की वैल्यू 1 रखा तो 3 आया, फिर 2 रखा तो 6 आया, 3 रखा तो 9 आया और 4 रखा तो 12 आया। मतलब ये वाली लाइन आपको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इस टाइप से आपको आंसर लिखना है। सेकंड का आंसर देखो, इसके अंदर 2, 4, 8, 16 और 32 है। मीन्स ये क्या फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है, एक सच देट एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब n की वैल्यू 1 रखी तो 2 आ गया, 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 8, 4 रखा तो 16 और 5 रखा तो 32 आ रहा है। मतलब इसमें जब आप कैटेगरी यूज कर रहे हैं तो आप फॉर्म क्या यूज कर रहे हो, ये लिखा 1 less than equal to n less than equal to 5 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ये हो गया आपका आंसर। आंसर बड़े नहीं है, एक एक लाइन के हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है इसके अंदर। अगला फॉर्म में 5, 25, 125 और 625 दे रखा है। मीन्स 5 की पावर के अकॉर्डिंग दे रखा है। 5 की पावर 1 5 होती है, 5 की पावर 2 25 होती है, 5 की पावर 3 125 होती है और 4 कितना होता है, 625। तो अरेंजमेंट में लिखोगे एक सच देट x इक्वल टू 5 की पावर n, ठीक है। अब इस वैल्यू को भी अरेंज करोगे 1 less than equal to n less than equal to 4 एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। एक जैसे सम है, सिर्फ लिखने का टाइप है, आपको ध्यान रखने की चीज है। फोर्थ वाला देखो 2, 4, 6 है। अब इसमें कोई लिमिटेशन की कंडीशन नहीं दे रखी है, तो इसको लिखते समय क्या लिखोगे, एक सच देट x, ये कौन से नंबर है, तो लिखोगे इज एन इवन। कौन से नंबर है, ये इवन दे रखे, पर इवन में भी क्या दे रखे, नेचुरल नंबर दे दिए, ये इवन नेचुरल नंबर, तो इसको हमने इस फॉर्म से लिख दिया है। अब आपके पास फिफ्थ में वैल्यू दे रखी है 1, 4, 9 अप टू 100 का फॉर्म, मतलब ये स्क्वायर की कैटेगरी है। एक सच देट, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एक सच देट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो ये एन स्क्वायर के फॉर्म को बिलोंग कर रहा है। मीन्स इसमें हो गया 1 less than equal to n less than equal to 10 एंड n बिलोंग टू कैपिटल n। अब ये चीज क्या है, पहली कंडीशन में 3n थी, उसके बाद 2 की पावर n है, फिर 5 की पावर n है, फिर इवन नंबर नेचुरल लिखना है, फिर n स्क्वायर लिखना है। आपकी पहली एक्सरसाइज में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसमें मैं क्या क्या दे रखा है। मैच द कॉलम है, तो मैच द कॉलम मतलब दोनों चीजों में है, बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में भी दे रखा है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी।